मध्य प्रदेश में भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली 66 सीटों पर जीत का परचम लहराने की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह संभाल रहे हैं। खास रणनीति के तहत दिग्विजय बीजेपी के कब्जे वाली इन सीटों के लिए व्यूह रचना तैयार करने के लिए निकले थे। उनके दौरे का पहला चरण पूरा हो चुका है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या 15 वर्षों का सूखा कांग्रेस खत्म कर पाएगी, क्या इनमें 50% सीट जीतने का लक्ष्य कांग्रेस हासिल करेगी। 17 फरवरी से शुरू हुए दिग्विजय सिंह के मिशन 66 का पहला चरण 7 जून को खत्म हो गया। दिग्विजय पार्टी की खास रणनीति के तहत लंबे वक्त से बीजेपी के कब्जे वाली सीटों के लिए व्यूह रचना तैयार करने निकले थे। दिग्विजय सिंह को मिला है 66 सीटों का जिम्मा। भाजपा का गढ़ कही जाती है ये 66 सीटें। इन सीटों पर 15 साल से नहीं जीती है कांग्रेस। दिग्विजय सिंह ने की 35 जिलों की 66 सीटों पर व्यूह रचना। 17 फरवरी को भोपाल के बैरसिया से शुरू हुआ था दौरा। 7 जून को इंदौर में खत्म हुआ दौरे का पहला चरण। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा कर बनी रणनीति। जल्द ही पीसीसी चीफ कमलनाथ को रिपोर्ट सौंपेंगे दिग्विजय। दिग्विजय सिंह ने मंडलम, सेक्टर, ब्लॉक कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। बैठकों में मंच पर बैठने की जगह नीचे कार्यकर्ताओं के साथ बैठे। हर कार्यकर्ता की मन की पीड़ा को दिग्विजय सिंह ने सुना। नेताओं और कार्यकर्ताओं के गिले शिकवे दूर करने पर रहा फोकस। दिग्विजय सिंह का सारा फोकस इस बात पर रहा कि कैसे इन 66 सीटों पर जीत हासिल करके पार्टी सत्ता में लौटे। दिग्विजय सिंह की रणनीति बीजेपी का कहना है कि जहां जहां पांव पड़े संतन के तह तह बनता धार। जहां जहां दिग्विजय सिंह जाएंगे, जहां जहां चरण पड़े संतन के, वहाँ वहाँ बंटाधार। बंटाधार मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व में, और इसलिए उनके जाने से क्या गत होने वाली है कांग्रेसी, ये कांग्रेसी बहुत अच्छे से जानते हैं। धीरे से बोलने लगेंगे इनको मत भेजना, बाकी कोई भी आ जाए, ये स्थिति बहुत जल्दी बनने वाली। कांग्रेस को भरोसा है कि हारी हुई इन सीटों में से कम 60% सीटों पर वो जीत हासिल करेगी। इन 66 सीटों की रणनीति के आधार पर ही कांग्रेस 150 प्लस सीटें जीतने का दावा कर रही है। इंदौर के अंदर आखिरी 66 सीट का समापन किया गया, और उसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद माननीय दिग्विजय सिंह जी ने 66 सीटों का जो जिम्मेदारी ली थी, और बखूबी उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली, और उसमें संगठन के प्रति वफादार रहना, टिकट जिसको भी मिले सब मिलकर उसको जितवाएंगे, और ये प्रेरणा देते हुए ये संकल्प लिया, और 23 के चुनाव में माननीय कमलनाथ जी के हाथ मजबूत करने का सबने प्रण किया। सूत्रों की माने तो मिशन 66 के लिए कांग्रेस ने 5 सूत्री एजेंडा तय किया है। स्थानीय मुद्दे, पार्टी स्थानीय मुद्दों की पहचान करके उनके मुताबिक अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। वर्तमान विधायक के खिलाफ नाराजगी, पार्टी स्थानीय स्तर पर बीजेपी विधायक के खिलाफ नाराजगी का मूल्यांकन कर जनता में माहौल तैयार करना। जाति समीकरण, पार्टी ये भी देख रही है कि हारी हुई सीटों पर जाति समीकरण क्या है, इसके हिसाब से उम्मीदवार चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। लोक लुभावन वादों का प्रचार, कांग्रेस पार्टी अपने 1.25 साल के कार्यकाल की योजनाओं के प्रचार के साथ 1500 रूपए वाली नारी सम्मान योजना, 500 रूपए में गैस सिलेंडर और 100 यूनिट बिजली का बिल माफ करने वाली नई योजना पर फोकस कर रही है। जन आंदोलन, पार्टी ने तय किया कि भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी सहित तमाम सत्ता विरोधी मुद्दों पर लगातार जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 66 विधानसभाओं की बैठकों में सफलता के 5 सूत्र भी दिए। वो 5 सूत्र हैं संपर्क, संवाद, समन्वय, सामंजस्य और सकारात्मक सोच। दिग्विजय सिंह की व्यूह रचना का कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा, ये तो नतीजे तय करेंगे। INS 24/7 के लिए भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट।